तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर किन्नौर होते हुए बहने वाली सतलुज नदी के महत्व और इसकी उपयोगिता को दर्शाने के लिए विभिन्न माध्यमों से विद्युत उत्पादन में लगी एसजेवीएन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण में भूमिका और लोगों के लिए जीवन दायिनी के रूप में कैसे सतलुज नदी काम कर रही है, इसके बारे में एसजेवीएन का रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन लोगों को बताएगा। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर किन्नौर होते हुए बहने वाली सतलुज नदी के महत्व और इसकी उपयोगिता को दर्शाने के लिए विभिन्न माध्यमों से विद्युत उत्पादन में लगी एसजेवीएन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण में भूमिका और लोगों के लिए जीवन दायिनी के रूप में कैसे सतलुज नदी काम कर रही है, इसको लेकर एसजेवीएन का रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के लोगों ने संदेश दिया। इसी के तहत 7 अक्टूबर को साय के समय गंगाघाट की तर्ज पर काशी के पंडित दत्तनगर के समीप नदी तट पर सतलुज की आराधना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भव्य एवं लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। एसजेवीएन के विद्युत निदेशक आर के बंसल व रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के प्रमुख सुरेश ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सतलुज नदी के कारण ही एसजेवीएन आज राष्ट्र ही नहीं बल्कि विदेशों में बिजली उत्पादन कर अहम स्थान बना चुकी है। ये सब सतलुज नदी की ही कृपा से संभव हो पाया है। निगम की 2 परियोजनाएं नाथपा झाकड़ी और रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन से सफलतापूर्वक बिजली भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा ये नदी लाखों लोगों की प्यास भी बुझा रही है। किसानों के लिए मैदानी इलाकों तक सिंचाई पानी उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में सतलुज नदी की अहम भूमिका है, इसलिए इस नदी को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया है। लोगों को गंगा आरती की तर्ज पर ही सतलुज आराधना कर उन्हें भी इस पवित्रता के साथ इसकी उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान निगम के महाप्रबंधक मानव संसाधन पीएस नेगी भी मौजूद रहे। हम रामपुर एचपीएस हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो 7 अक्टूबर को सतलुज आराधना करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सतलुज को स्वच्छ रखा जाए, इसके पानी को स्वच्छ रखा जाए और इससे लोगों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। इसका मेन जो औचित्य है वो ये है कि हम सतलुज नदी जो है वो हमारे देश को अपार संपत्ति ऐड करने में अभूतपूर्व जो है वो अपना योगदान दे रही है। साथ में ये हमारे कृषि का जो बढ़ोतरी है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। तो इसको जितना हम साफ रखेंगे उससे ज़्यादा जो बीमारियां हैं या टॉक्सिन्स हैं और टॉक्सिक मटेरियल जो है उसमें नहीं जाएंगे, तो हमारे जो अनाज है जो उपज आगे सब्जियां हम उगा रहे हैं इससे पानी ड्रॉ करके या ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स हैं डाउन स्ट्रीम में कोल डैम के ऊपर से सुन्नी के एरिया से पानी उठाया जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठेव का एरिया है, शिमला का एरिया है, तो लोगों को उससे बीमारियों से भी राहत मिलेगी। तो हमें